नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे जमीन बंटवारे को लेकर। बिहार में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर सबसे ज्यादा विवाद है। आपको बता दें कि इन मामलों में कमी लाने के लिए बिहार सरकार लगातार कार्य कर रही है। वह लगातार अपने कानून में संशोधन कर रही है, जिससे कि जमीन से जुड़े मामलों को खत्म किया जा सके, आम लोगों को जमीन से जुड़े मामलों में बदलाव किया जा सके, जिससे कि उन्हें राहत मिले। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानना है कि बिहार में अगर भूमि विवाद खत्म कर दिए जाएं तो ऐसे मामलों में कमी ला दी जाए तो कानून व्यवस्था भी बेहतर होगी। सीएम नीतीश कुमार ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भूमि विवाद से जुड़े मामलों में बदलाव करने पर विचार कर रहा है। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने बताया कि विभाग इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि पैतृक संपत्ति के बंटवारे में आखिर कैसे विवाद को कम किया जाए। मंत्री रामसूरत राय के अनुसार एक परिवार में अगर कई भाई हैं और बहुमत इस बात को लेकर है कि आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया जाए तो अल्पमत के विरोध से बंटवारा रुक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि इसके लिए नियमों में आवश्यक बदलाव करने की आवश्यकता है और सरकार इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है कि पुश्तैनी जमीन के बंटवारे में कोई अड़चन ना आए, इसके लिए नियमों को और ज़्यादा सहज बनाने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही साथ एक ऐसे फॉर्मेट को तैयार किया जा रहा है जिसके तहत ऐसे मामलों में सहमति पत्र तैयार करते हुए उसे कानूनी मान्यता दे दी जाए। मंत्री रामसूरत राय ने यह भी कहा कि सहमति पत्र पर परिवार के बहुमत वाले हिस्सों के सदस्यों के अलावा पंचायत के मुखिया और साथ ही साथ मुख्य चुनाव के निकटतम प्रतिद्वंद्वी, वार्ड सदस्य, चकबंदी और राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी अपने हस्ताक्षर करेंगे और उसे कानूनी मान्यता मिल जाएगी। ऐसे में अल्पमत वाले सदस्यों को इस सहमति पत्र को मानना जरूरी होगा। मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि सरकार ने यह फैसला किया है कि जिनके नाम से जमीन की जमाबंदी है वही जमीन की रजिस्ट्री कर सकते हैं। इस फैसले से भूमि विवाद में कमी आने की संभावना थी, लेकिन बिहार में सक्रिय भूमि माफिया इस मामले को लेकर अदालत चला गया है। सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस मामले पर भी कोर्ट की अड़चन को दूर किया जाए। इससे पहले भूमि विवाद को दूर करने को लेकर बिहार सरकार ने अंचल, अनुमंडल और जिला स्तर पर आने वाले मामलों को तीन मुख्य श्रेणियों में बंटवारे का निर्णय लिया था। विभाग के सुझाव पर यह भी फैसला लिया गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में डीआईजी स्तर के पुलिस अफसर की तैनाती की जाएगी। सभी अंचलों में चार चार सुरक्षा बल को भी प्रतिनियुक्त की जाएगी। अंचलाधिकारी भूमि संबंधी मामलों के निष्पादन के लिए हर शनिवार को थाना प्रभारी से बैठक कर बात करेंगे, चौकीदार परेड का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही साथ थाना प्रभारी को भूमि संबंधी विवादों के लिए अलग रजिस्टर रखने का निर्देश दिया गया था। प्रॉपर्टी डीलरों पर भी नकेल कसने का निर्णय लिया गया है, खासकर ऐसे प्रॉपर्टी डीलर जो चोरी छुप के जमीन पर कॉमर्शियल काम कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण जमीन से जुड़ा हुआ दस्तावेज या फिर जानकारी भी विभाग के पोर्टल पर अपलोड करना माना जा रहा है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने जमीन विवाद को खत्म करने के लिए उन्होंने मात्र 100 रुपये शुल्क अदा कर पारिवारिक बंटवारे की संपत्ति की रजिस्ट्री की सुविधा देकर राज्य की जनता के हित में फैसला लिया था। इससे यह साफ है कि अब बंटवारे के बाद से संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने में तेजी आएगी। सबसे जरूरी बात यह है कि भूमि विवाद में कमी लाने को लेकर यह फैसला लिया गया है। तो आपको बता दें कि बिहार सरकार लगातार भूमि विवाद को कम करने को लेकर नए नए कानून बना रहा है और पहले से जो कानून बने हैं उसमें संशोधन करता रहा है। ऐसे में अब आपसी बंटवारा यानी कि भाई से भाई का जो जमीन का की लड़ाई का मामला जो सबसे ज़्यादा बिहार में है, इसको कम करने को लेकर बिहार सरकार लगातार सजग है। तो ये थे जमीन से जुड़े मामले। बिहार में और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।